कोई प्यासा है उसको पानी पिला देना, ये बहुत बड़ा दान है। अन्नदान, कोई बहुत भूखा है, कोई जुगाड़ नहीं बैठ रहा है, दो रोटी खिला देना, इससे भाग्य बदलता है। आपने एक चीज सुना होगा, एक ही मुहूर्त में, एक ही क्षण में जन्म लेने वाले बहुत से लोगों का भाग्य अलग अलग क्यों होता है, भाग्य जुदा जुदा क्यों होता है? सोचिए, इस पर विचार करिए। एक ही माँ बाप के पांच पुत्र हैं, सगे भाई हैं, दो तीन जुड़वा हैं, केवल आधा आधा मिनट का अंतर है, फटाफट जन्म लिया है सीरियल से, लेकिन भाग्य में बहुत बड़ा अंतर है, किस्मत में इतना अंतर क्यों है? बताइए क्यों है? इसलिए है, अंतर है तो है, तो क्यों है इसका उत्तर हम बताएंगे। एक राजा के मन में ये सवाल खड़ा हुआ था कि एक ही मुहूर्त में जो लोग जन्म लेते हैं उनके भाग्य में इतना बड़ा डिफरेंस क्यों रहता है। तो राजा ने एक साधु से पूछा कि भाग्य में अंतर क्यों? तो साधु ने कहा कि इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे सकता, इसका उत्तर लेना है तो आप पश्चिम दिशा में एक पहाड़ है, उस पहाड़ पर जाइए, वहां एक महात्मा तपस्या कर रहा है, वो इस प्रश्न का उत्तर दे देगा। अब उस पहाड़ पर राजा गया, महात्मा से मिला, प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया, प्रश्न पूछा कि एक ही मुहूर्त में जन्म लेने वाले आत्माओं का भाग्य जुदा जुदा क्यों होता है? तो महात्मा मुस्कराया और उस महात्मा को देखा, क्या कर रहा है वो महात्मा? आग के टुकड़े बुझा करके खा रहा है। तो महात्मा ने कहा कि मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता हूं, और इससे ऊंचे एक पहाड़ है, वहां एक तीसरा महात्मा बैठा है, उससे पूछो जाकर। उसके पास गए तो देखा वो महात्मा बड़ा विचित्र है, वो अपना ही मांस नोच कर खा रहा है। राजा ने सोचा ये पागल है कि महात्मा है, ये अपना ही मांस नोच कर खा रहा है। तो उस महात्मा से पूछा कि महात्मा जी, एक ही मुहूर्त में जन्म लेने वाले बच्चों का भाग्य जुदा जुदा क्यों होता है? उसने कहा इसका उत्तर मैं नहीं दे सकता, इसका उत्तर पाना चाहते हो तो इस पहाड़ से नीचे उतर जाओ, एक गांव है, उस गांव में एक 8 साल का बालक है जो बहुत बीमार है और इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए इंतजार कर रहा है, वहां जाइए, इसका उत्तर देने के बाद वो मर जाएगा। तो राजा ने सोचा ये सब साधु साधु सलाह करे हैं का? पहला साधु हमारे द्वार पर मांगने आया, उसने कहा पहाड़ पे जाओ एक महात्मा मिलेगा, उसको देखा वो आग बुझा बुझा कर खा रहा है, उसने कहा और पहाड़ पर ऊंचे जाओ तो तीसरा महात्मा अपना मांस नोच कर खा रहा है, और ये एक चौथे के पास भेज रहा बालक के पास। राजा उस बालक के पास गया, देखा वो बहुत बीमार है और राजा को देख करके खुश हो गया, उठकर बैठ गया। राजा ने कहा तेरे से प्रश्न पूछना है कि एक ही मुहूर्त में पैदा होने वाले लोगों का भाग्य जुदा जुदा क्यों होता है?
तो उस बालक ने कहा कि इसी का उत्तर देने के लिए मैं रुका हूँ, मैं बहुत बीमार हूँ, मैं ज़्यादा दिन जीऊँगा नहीं, आपका इंतज़ार कर रहा था। तो उसने बहुत बड़ी बात कही उस छोटे से बालक ने, 8 साल के बालक ने। उसने कहा कि आपको बताता हूँ मैं राजा साहब, मैं पूर्व जन्म में 4 भाई था और हम चारों राजकुमार थे, महाराजा के पुत्र थे और चारों जंगल में सैर करने के लिए गए थे, आनंद मना रहे थे और हम चारों भाई जंगल में भूखे हो गए, पोटली में आटा लेकर हम गए थे, वहाँ उसकी भौरिया बनाया था तालाब के पास बैठकर, और चारों भाइयों ने एक एक भौरिया खाने के लिए तैयार हुए थे। उसी समय एक भूखा साधु आया था, उसने जब मांगा तो जो हमारा बड़ा भाई था उससे मांगा कि थोड़ा मुझे खाने को दे, तो भूखा हूँ। तो मेरे बड़े भाई ने जवाब दिया कि तुझको अगर भौरिया खिला दूंगा, बाटी खिला दूंगा, तो मैं क्या भूखों मरूंगा, मैं क्या खाऊंगा, ऐसा उसने कहा। और दूसरे भाई से जब मांगा तो उसने कहा तेरे को भौरिया खिला दूंगा तो मैं क्या आग खाऊंगा, गुस्सा हो गया वो। तीसरे से जब मांगा तो उसने कहा कि अरे तेरे को खिला दूंगा तो क्या मैं अपना मांस नोच कर खाऊंगा। और चौथे ने कहा कि मेरे पास आओ मैं तुमको खिलाता हूँ। उसने आधी भौरिया तोड़कर उस साधु को खिला दी और आधी खुद खा ली और साधु को प्रणाम किया। वो चारों कोई और नहीं थे, वो चारों राजकुमार भाई भाई, एक तो हम थे जो हमने कहा था तेरे को खिला दूंगा तो क्या मैं भूखा मरूंगा, तो आज मेरे अंदर ऐसी बीमारी आई है कि मैं कुछ खा ही नहीं सकता, मैं भूखा ही मरने जा रहा हूँ। और दूसरा वो भाई था जिसने कहा था तुझे दे दूंगा तो क्या आग खाऊंगा, तो आग बुझा बुझा कर खा रहा था, तुमको मिल चुका है पहाड़ पर। तीसरा वो भाई था जिसने कहा था भौरिया तुझे खिला दूंगा तो क्या मैं मांस नोच कर खाऊंगा, तो अपना मांस नोच कर खा रहा है। और चौथे मेरे भाई आप थे जिन्होंने अपनी आधी भौरिया तोड़कर खिलाया था, इस पुण्य से आप राजकुमार हुए हो और हम लोगों की दशा तो देख ही रहे। अन्नदान से आपके भाग्य की रचना होती है। दान किसी प्रकार का हो ये निष्फल नहीं जाता है। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ज्ञान दान दे रहा हूँ। अब मेरे पास क्यों आए हो, ज्ञान सुनने के लिए आए हो ना, ज्ञान दान मैं कर रहा हूँ। और ये जो परिवार सत्संग करा रहा है ना, ये बेचारे कोई करोड़पति नहीं है, लेकिन याद रखना हिम्मत इनके पास करोड़पति से भी ज़्यादा है, साहस तो अरबपति से भी ज्यादा है और श्रद्धा तो टाटा बिड़ला से भी इनकी ज्यादा है। कुछ भी हो श्री गुरुदेव को बुलाऊंगा और सत्संग कराऊंगा, ऐसी भावना है तो इन्होंने सब कुछ दान किया। आधी भौरिया के दान से एक भाई राजकुमार होता है, राजा बनता है। इसलिए याद रखना कभी मेहमान आ जाए थोड़ा दूध का प्रयोग उस दिन मत करना, मेहमानों के लिए चाय बनने के लिए दूध बचा देना। कभी मेहमान आ जाए तो अच्छी रजाई ओढ़ने को उनको दे देना, पुरानी वाली तुम ओढ़ लेना। कभी मेहमान आ जाए उस दिन के लिए थोड़ा सा अच्छा भोजन बनाकर उनको खिला देना, क्योंकि मेहमान के रूप में ही भगवान आता है, इस बात को याद रखना। भगवान भगवान के रूप में कभी किसी को मिलता नहीं है, भगवान या तो किसी सास ससुर के रूप में मिलता है
या माँ बाप के रूप में मिलता है, या बूढ़े के रूप में मिलता है, या असमर्थ के रूप में मिलता है, या तो भगवान आपको मेहमान के रूप में मिलता है, या किसी साधु फकीर के रूप में भगवान भेंट करता है और उस भगवान को परखना और उनकी थोड़ी सी सेवा कर देता। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, सदा सत्संगियों में मिल हमें सेवक बना जाना। दुर्गा देवी, काली देवी, शंकटा देवी, बंकटा देवी, बमलेश्वरी देवी, डमलेश्वरी वेदी, उमिया देवी, खोड़ियार देवी, खोड़िया देवी, ये सभी प्रदेशों की देवियों के नाम बता रहा हूं। कालिका देवी, ये जितनी देवी हैं और जितने भी देवता हैं, ये कब खुश होते हैं आपको पता है? मुझे पता है। जब तुम अपने घर के पुरुषों को प्रसन्न करने के लिए सेवा के सुमन भेंट करती हो, तब सृष्टि के सभी देवता खुश हो जाते हैं। और जब तुम अपने घर की जीती जागती नारियों के लिए प्रसन्नता के फूल अर्पित करते हो, तब दुनिया की सभी देवियां खुश हो जाती हैं। याद रखना, अपने घर के नर नारियों के साथ में अच्छा व्यवहार करना, प्रेम का व्यवहार करना और प्रेम के फूल इनको अर्पित करना, तो आपके लिए सभी देवी देवता फूल बरसाएंगे और तुम्हारे कांटों की राह को फूलों जैसी राह बना देंगे।